Never miss an update. Jitu. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहली ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर जॉय रमा, जिन्हें प्यार से जॉय कहा जाता है। जॉय इससे पहले कहा था तो काफी हानिकारक साबित हुए थे, अब रियल नेम रमा। अपने बॉलिंग ट्रैक पर वेरी फर्स्ट बॉल, क्या बात है, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। नो डाउट ऑफ साइड के क्षेत्र में पॉपिंग क्रीज के अंदर डाली गई गेंद फुल लेंथ गेंद थी और बल्लेबाज यासीन समझ नहीं पाए गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है जरूर एक रन के लिए और इस एक रन के साथ टीम का खुला है खाता और इस वक्त टीम डी सुपर 11 का खुलता हुआ अकाउंट। डी सुपर 11 की अगर बात करें तो पहला मैच इन्होंने जीता है जरूर, फर्स्ट मैच विन हुए हैं, बाबा टाइगर्स को इन्होंने हराया था, पहली मैच में मात दी थी। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर रमा, सामना करने के लिए सज्ज होंगे बल्लेबाज ओमकार। ओहो, व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है रमा, एज लगा था कीपर की थोड़ी सी चूक और यहां पर चलिए कैच हुआ है ड्रॉप, कोई विकेट का पतंग हो सकता था, गेंद रही डॉट के रूप में। व्हाट अ डिलीवरी, विकेट का पतंग हुआ है, न्यू बैट्समैन ग्राउंड के बीच में प्रवेश करते हुए इस वक्त जरूर सुहास कदम, इससे पहले कि मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे बाबा टाइगर्स के अगेन इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से इन्हें जरूर सम्मानित किया गया था और इनसे पूछा भी गया था कि 40+ के खिलाड़ी, तो इन्होंने कहा 40 नहीं मैं 45 का हूँ, बात छुपाई नहीं बल्कि बताई बड़ा कर, क्या बात है। और लेदर क्रिकेट के भी एक होनहार खिलाड़ी हैं नो डाउट, फील्डिंग को इस वक्त मापते और भापते हुए और इस वक्त अगर बात करें तो बिल्कुल कोच की भूमिका में भी नजर आते हैं। इस बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर रमा की, किफायती भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉट डिलीवरी, अगली गेंद, ओहो, क्या बात है, क्या शानदार गेंदबाजी,
इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ एक रन खर्च किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक रन एक विकेट, पावर प्ले में एक रन और एक विकेट, किफायती भरी गेंदबाजी। अब तक के तीन मैचेस हो चुके हैं रणजीत राइजर्स और तुका स्पोर्ट्स के बीच में। हमने पहला मुकाबला देखा जिसमें रणजीत राइजर्स ने तुकाई फाइटर्स को ज़रूर मात दी थी। उसके बाद डी सुपर 11 वर्सेस बाबा टाइगर्स के बीच में सेकेंड मैच देखने मिला, जिसमें डी सुपर 11 ने ज़रूर बाबा टाइगर्स की टीम को मात दी। उसके बाद आरजे वॉरियर्स वर्सेस एमडी पैकर्स के बीच में एक बिग फाइट मैच देखने मिला, लेकिन आरजे वॉरियर्स ने शानदार परफॉर्मेंस, लक्ष्मण के परफॉर्मेंस के कारण आरजे वॉरियर्स ने जीत का परचंग जरूर लहराया। इस वक्त चलता हुआ रणजीत राइजर्स वर्सेस डी सुपर 11 के बीच ये मुकाबला, और इस मुकाबले में दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। यस, रणजीत राइजर्स की अगर बात करें तो एक मैच विन हो चुकी है। उसी तरीके से बात करें तो यहां पर डी सुपर 11 भी एक मैच जीत चुकी है। दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी में कमाल जारी है। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकलकर बैट का फेस खोला था, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, दो टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड किया गया, विकेटों के बीच में दौड़ लगी और दो रन दौड़कर पूरे किए। इस दो रन के साथ अब जाकर स्कोर में थोड़ी सी बढ़त देखने मिलती हुई, स्कोर बोर्ड पर स्कोर 3 रनों पर दर्शाता हुआ। यस सर, नो बॉल अंपायर ने घोषित किया है, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट है। और देखिए फ्री हिट गेंद रही ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। यस सर, अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले की जो डिलीवरी थी वो बीमर डिलीवरी, जीतू इससे पहले की जो बॉल थी बीमर डिलीवरी थी। यस, थैंक यू। नेक्स्ट बॉल इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। दो गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर है 6 रन, स्कोर काट पर। नेक्स्ट बॉल इस बार देखिए बैट का मोटा सिरा लेकर थर्ड मैन रीजन में खिलाड़ी गोल गोल घूमते हुए नजर आए, लेकिन गेंद को क्या स्टॉप किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉप करने की कोशिश की गई है। विकेटों के बीच में 3 रनों के लिए लगी है दौड़ और 3 रन यहां पर कंप्लीट किए गए। इस 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर में चेंजेस देखने मिलता हुआ, रनों की रन संख्या में बढ़त देखने मिलती हुई और स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दो रन के लिए निकले हैं, 2 रन दौड़कर जरूर पूरा किया। यस, 3 बॉल में 3 सिक्स जड़ते हैं तो यासीन के लिए साहिल की तरफ से 1000 की प्राइज मनी। चलिए घर का पैसा घर में, इस बार ये अच्छी डिलीवरी। स्कोर ओवर की हुई है समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दर्शाता हुआ 9 रन।
दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन साहिल बताते हुए। साहिल का थोड़ा सा ध्यान मैच में है और मैच के बाहर भी है। इस बार देखिए वॉटर डिलीवरी, क्या बात है, रोशन राउत। दो रन के लिए निकले, कैच जरूर एफर्ट किया था मिड विकेट रीजन में खिलाड़ी ने, लेकिन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किए गए रन वो है दो। गेंदबाज की अगर बात करें, रोशन एक होनहार गेंदबाज है नो डाउट। अगली गेंद इस बार देखिए खेला है हल्के हाथों से, भोला गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए, स्ट्रोक विद द रन, दौड़ने की कोशिश दूसरे रन के लिए, और यहां पर क्या रनआउट के रूप में विकेट गिरी है। यस, अंपायर लखन का इशारा आता हुआ नट आउट, दो रन किए हैं कंप्लीट। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। सुहास और यासीन की जोड़ी विकेटों पर डटी हुई है, लेकिन रनों को जोड़ने में, बड़े हिट में अब तक के सक्षम नहीं। इस बार देखिए रडार में गेंद थी, रेंज में गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया, परफेक्ट मिडलिंग, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, षटकार, 6 रन, क्या बात है। सुहास अब अपने बल्लेबाजी के तेवर दर्शाना शुरू करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 21 रन स्कोरबोर्ड पर। अब टारगेट लगभग 40 के आसपास भी अगर पहुंचता है, 30, 35 या 40, तो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। इस बार देखिए एक और भी गिट, ओ हो, क्या बात है, नाम है सुहास कदम। स्कोर 27 रन। सुहास दो बॉल में 2 सिक्स अब तक के जड़ चुके हैं, रोशन का नाम रोशन कर दिया मैं तो कहूंगा। बिल्कुल, कप्तान जरूर कुछ कान मंत्र देते हुए, क्या 3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान यहां पर सुहास कदम कंप्लीट कर पाएंगे और पहले बल्लेबाज कहलाए जाएंगे अगर 3 गेंदों में 3 सिक्स जड़ देते हैं तो। नेक्स्ट बॉल, ओहो, कोशिश जरूर की थी लेकिन तारीफ करनी होगी कैप्टन कूल ने जाके जो संदेश दिया है उसका फायदा मिलता हुआ। चलिए ओवर की हुई है समाप्ति, 2 सिक्स लगने के बाद एक अच्छे पायदान पर पहुंचती हुई टीम डी सुपर 11। एक विकेट के नुकसान के बाद 27 रन, लास्ट 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं टीम कैप्टन मारुति। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, अब देखना यह है। यस, 4 रन, क्या बात है। इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर बड़ा हिट, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है।
सुहास का जरूर पैर स्लिप हुआ है। स्कोर की अगर बात करें 38 रन स्कोर कार्ड पर 38 रन। मैंने पहले ही कहा था कि 40-45 के आसपास टारगेट सेट हुआ तो फिर यहां पर मुश्किल हो सकती है। इस बार ये अच्छा कैच, ब्यूटीफुल कैच, विकेट का पतंग होता हुआ फाइन लेग रीजन में कैच को पकड़ा गया और विकेट गिरता हुआ जरूर। सुहास ऑन स्ट्राइक, इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार, 4 रन के लिए फरार स्कोर। दो रन के लिए निकले हैं, दो रन कंप्लीट किया है। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, जरूर उन्हें पता है कि दो रन के लिए निकलना जरूरी है और इसी तरीके के स्ट्रोक से एक से दो रन यहां कंप्लीट किए जाएंगे। नेक्स्ट मैच तुकाई स्पोर्ट्स कैप्टन एंड आरजे वॉरियर्स टीम कैप्टन, आइए चलिए टॉस के लिए। टारगेट 42 रन टू विन, 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, 42 रनों का टारगेट है। चलिए टॉस के लिए आना है। तुकाई स्पोर्ट्स तुकाई फाइटर्स टीम एंड आरजे वॉरियर्स टीम, प्लीज बी फास्ट गाइस, टॉस के लिए आना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए पहली ओवर में एक रन था, सब्सक्राइब नाउ, दूसरी ओवर में प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now
एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now to run to win. And press the bell icon. Never miss an update. Ground में प्रवेश करना opener batsman. क्या बात है? Lucky के हाथों से toss होने जा रहा है. Subscribe now. कौन सी team में lucky बनेगी? And press the bell icon. Never miss an update. कौन जीता है toss? तुका sports से toss जीता है और Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चला लगे मैच ऑन कर रहे थे। वेरी फर्स्ट बॉल मारुति के बल्ले से ये बिग हिट डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार षटकार। क्लीन बोल्ड वॉट अ डिलीवरी, क्या बात है। मुंबई की परिभाषा में कहा जाता है एक तुम्हारी एक हमारी, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिला। एक सिक्स जड़ने के बाद यासीन ने किया है पलटवार, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ मारुति के रूप में बड़ा वाला झटका। चलिए न्यू बैट्समैन ताबड़ तो माना है ग्राउंड में।
नेक्स्ट बॉल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर गेंद की थी और यहां पर बल्लेबाज ने अपनी विकेटों को बचाने की कोशिश की। मारुति के आउट होने के बाद न्यू बैट्समैन आए हैं सचिन। देखिए अगर जो प्लेयर्स ने फॉर्म में अपना नाम फिलअप किया था और वो सोल्ड आउट भी हुए और वो मैच को नहीं आए तो वो खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कुछ अगर निजी कारणों के वजह से, प्रॉब्लम के वजह से, घरेलू प्रॉब्लम के वजह से या फिर जॉब की प्रॉब्लम के वजह से जो भी हो, वो आप कमेटी से डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं और घर पे पबजी खेल रहे हैं तो फिर 2 साल बैन। इस बार खेला है जरूर, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ ये आता हुआ 4 रन। पांच गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर है 11 रन। बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त श्रीकांत भोईर बल्लेबाजी के क्रमांक पर सज्ज होते हुए, अंपायर लक्की का इशारा आता हुआ डेड बॉल। नेक्स्ट बॉल क्लीन बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है, एक और यॉर्कर विकेट का पतंग होता हुआ, विकेट नंबर 2 गिरता हुआ, दूसरा झटका इस वक्त लगता हुआ। न्यू बैट्समैन रोशन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड पर, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद रंजीत राइजर्स टीम का। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, यस तुकाई स्पोर्ट्स में खेलते हुए नजर आए थे काफी समय पहले जब रंजीत दादा मौजूद थे, उस टाइम पे ये खिलाड़ी खेला करते थे। और इस बार देखिए वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ ब्रेक गेंद की थी, खेला है जरूर पॉइंट रीजन पर, 2 रन यहां पर कंप्लीट किए, बिल्कुल स्लॉग की गेंदबाजी करते थे, अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशली गेंदबाज के रूप में इन्हें जाना और पहचाना जाता था। और काफी समय के बाद ग्राउंड में हुई है वापसी, लगभग 9 साल के बाद, 8 से 9 साल के बाद, आज भी वही तेज, आज भी वही धार नजर आती हुई, इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड। फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर सोमनील सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बल्लेबाज, इस बार देखिए प्रहार किया है, एफर्ट बहुत ही बढ़िया नो डाउट अमित का, 1 रन कंप्लीट, 2 रन के लिए निकले, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा तालमेल और इस तालमेल के कारण यहां पर 2 रन। तारीफ करनी होगी फील्डिंग की अमित की, जो नन्हे मुन्ने बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर रहना है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला था, फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस ओपन किया था, बिग हिट करना चाह रहे थे, गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है
16 रनों पर। इस वक्त का मुकाबला चलता हुआ रंजीत राइजर्स वर्सेस डी सुपर 11 के बीच। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं, दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अब देखना ये होगा कि इस वक्त इस मैच में जीत का बिगुल कौन सी टीम बजाकर ग्राउंड के बाहर आती है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार सोमलिंग, और इस बार रनअप में थोड़ा सा जरूर मिस्टेक करते हुए नजर आए फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। दोनों खिलाड़ी आपस में टकराए जरूर थे, आशा और उम्मीद ये रहेगी कि इन्हें चोट ना आई हो। और बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की चाहत, अपनी टीम के लिए रनों को बचाने की चाहत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे प्लीज बाउंड्री लाइन से दूर रहें। बेटा ये खिलाड़ी आग पर अगर डाई लगाएंगे तो आपकी मम्मी डैडी परेशान हो जाएंगे। इस बार देखिए पैडल स्वीप करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और ये बेहतरीन कैच मिड विकेट पर पकड़ा गया, विकेट का हुआ है पतंग। लगता हुआ इस वक्त जरूर रणजी टीम को एक और बड़ा वाला झटका रोशन के रूप में। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 22 रन। जीत के लिए 20 रनों की और जरूरत, न्यू बैट्समैन कलीम को भेजा गया है। चला गाँव वाले विकी 22 रन। नेक्स्ट बॉल, इस बार इनर एज जरूर लगा है बैट को, बहुत ही तेज तर्रार तरीके से स्विंग किया था, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर 23 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ, जीत के लिए 19 रनों की और जरूरत, 12 गेंदे 19 रन, 12-19 का ये मैच। इसके बाद तुका इस नए गेंदबाज आए हैं विकी। इसी बीच अगली गेंद, ओहो व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। गेंद रही डॉट के रूप में, इस डॉट डिलीवरी के साथ की है गेंदबाजी की शुरुआत विकी ने। विकी सोन कामले अपने बॉलिंग मार्क पर। नेक्स्ट बॉल, क्या बात है, विकी इस वक्त लय में आते हुए और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए। लखन मेन अंपायर की भूमिका में है और लखन इस सब गेंदों को जांचते हुए, यस बेस्ट अंपायर के लिए भी ट्रॉफी रखी गई है। शंकु का नाम जरूर यहां पर अव्वल दर्जे पर चलता हुआ, पहले क्रमांक पर चलता हुआ, यस सेकंड क्रमांक पर मोनीश और तीसरे पर लक्की। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकले थे, अपील की है, अपील को नकारा है और गेंद रही डॉट के रूप में। यस अगर लखन अंपायर गोटिया की जैसा कुछ परफॉर्मेंस करते तो शायद पहले नंबर पे आ सकते हैं। यस हर मैच में 100 रुपया, अभी भी 8-9 मैच बची है, 800 रुपये तो लगभग बनते ही हैं। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद रही डॉट के रूप में, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं,
विकी क्या बात है, लेकिन मैं लखन की तारीफ करूंगा, कल जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया लाइन बॉयज टूर्नामेंट में, जो इनका परफॉर्मेंस रहा था क्या बात है, दो मैडन ओवर करने वाले ये गेंदबाज बने थे। और बिल्कुल फाइनल भी इन्होंने ही मारा था, इनकी टीम ने, मेगा ए ने। इस बार देखिए गति में मिश्रण किया था, रीड किया है, गेंद हवा में है और ये कैच हुआ है ड्रॉप। ओहो, कैच हुआ है ड्रॉप। लाइन बॉयज चषक में बेस्ट बॉलर की भूमिका में नजर आए थे लक्की, वहां से ताबड़तोड़ तत्काल में बुलाकर अंपायर खड़ा किया गया ने। एक बॉल अभी भी आना शेष, स्कोर है 25 रन, जीत के लिए 42 रनों का पीछा करती हुई रंजीत राइजर्स की टीम। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकलकर बैट का फेस ओपन किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन। अब बची हुई 6 गेंदें शेष हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है लगभग 13 रन। पंद्रह यस, सोलह। तीन स्कोरर है, जैसा बता रहे वैसा आप तक के मैसेज पहुंच रहा है, 16 रन की जरूरत है। चलिए आखिरकार 16 रन फाइनल हुआ है, 16 रन की जरूरत। अमित, और यहां पर देखिए भोला ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक ली है, उन्हें पता है कि 5 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है 16। अगर भोला खड़े रहे और इस मैच को इन्होंने जीत में तब्दील कर दिया तो बंटी भाई के पास ही सब बैनर के ऑर्डर होंगे और पूरे ग्राउंड में इनके बैनर लगाए जाएंगे, पूरे साईनगर में, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। 5 गेंदे और जीत के लिए 16 रन। न्यू बैट्समैन जॉय, यस रामा, इनका नाम रामा ही बेहतर है, जॉय इनका नाम लिया जाता है तो इनके साथ एंजॉय हो जाता है। ताबड़तोप अमित की 5 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत, 5-16। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, गेंद को किया था, क्या बात है, अंपायर लखन का इशारा था वो वाइट बॉल। लक्की देखिए ग्राउंड के अंदर मेरे ख्याल से प्लास्टिक है, उसे जेब में रखना है। बैट्समैन को तकलीफ दे सकती है, प्लीज लक्की जेब में रख लें। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन रीजन पर, 1 रन कंप्लीट किया है। और यहां पर देखिए भोला के लिए अपना विकेट जाया करते हुए इस वक्त जॉय, फिर से हो गया इनके साथ एंजॉय।
चार गेंदें बची हुई है, 15 रनों की जरूरत। यस यस, वाइट था तो 14। हमारे पास तीन तीन स्कोरर है और तीनों की परिभाषा अलग अलग। इस बार भोला, ओह व्हाट अ हिट, क्या बात है, डेढ़ ग्राउंड पार, षटकार, 6 रन। इस 6 के साथ अब मैच में वापसी होती हुई। तीन गेंदे, 8 रन। व्हाट अ डिलीवरी, जोरदार अपील। अब 2 गेंदे, 8 रन। चलिए विकी, 2 गेंदे, 8 रन, 8 रन, 2 गेंदे, क्या होगा देखते हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार बिग हिट, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है। अब 1 बॉल, 2 रन, पैसा वसूल मैच, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला, यादगार मैच, साईनगर प्रीमियर लीग। 1 बॉल, 2 रन, यस, मैच आ चुका है डू और डाई की स्थिति में। जीतने के लिए 2 रन बनाने कंपलसरी होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दो रन, अगली गेंद लेकर तैयार। ओहो, 1 रन से यहां पर मैच जीत लिया है एमडी सुपर 11 टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड। तुकाई स्पोर्ट्स टीम के सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज संपर्क साधना आपके कैप्टन के साथ आपको, और यासीन, यासीन जहां कहीं पे भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए।
मैन ऑफ द मैच गोज टू प्लीज वेलकम मिस्टर यासीन मैन ऑफ द मैच. यस मैं सुजल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ बातों से मैन ऑफ द मैच दिया जाए. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.